सिपाहियों ने महाराजगंज जिले के रहने वाले सराफा उनके मुनीम से लूट की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सर्विलांस की मदद से गोरखपुर पुलिस ने गोरखपुर गुरुवार की सुबह दरोगा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुई बुलेरो, लूटी गई रकम, गहने बरामद हुए हैं। वारदात में शामिल एक अन्य सिपाही की तलाश चल रही है। सूचना यह मिली कि कुछ पुलिस वालों की वर्दी में लूट की घटना दो सराफा व्यापारियों के साथ कारित किए हैं। टीम उस पर लगाई गई और 24 घंटे से भी कम समय में इसका खुलासा कर लिया गया है। इसमें 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हैं, पुरानी बस्ती थाने पे तैनात हैं ये। दूसरे आरक्षी हैं महेंद्र यादव, तीसरे आरक्षी हैं ये भी संतोष यादव। इसके अलावा ड्राइवर जो गाड़ी लेके आया था वह है देवेंद्र यादव, और सूचना देने वाला जो मुखबिरी करने वाला है ये शैलेश यादव। इस तरह से धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव, संतोष यादव, देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, ये 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से 19 लाख रुपए नकद जो लूट का गया हुआ था पूरा पैसा, और लगभग 35 लाख अनुमानित कीमत का 19 लाख रुपए सहित सोना और चांदी बरामद किया गया है।